हाँ तो दोस्तों सोचने वाली बात है, जब पानी से इंसान चल सकता है तो इंसान के पेशाब से गाड़ी क्यों नहीं चल सकती, और पेशाब का भंडार कभी खत्म भी नहीं होगा। बराबर के नहीं, बराबर। मैं आप लोगों का तकदीर भी नहीं बताएगा। साला वैज्ञानिक लोग इतना बड़ा बड़ा एटम बम बनाता है, पेशाब का इंजन बना देता तो कितना अच्छा होगा। पर सरकार को तो टैक्स चाहिए, सस्ता पेट्रोल नहीं। चाय पियो पानी पियो सबका पेशाब बनता है, चलती फिरती फैक्ट्री है इंसान, पेशाब से गाड़ी चलती है तो क्या प्रॉब्लम है साले? बताओ तुम्हें टैक्स चाहिए तो पेशाब पर टैक्स क्यों नहीं लगा देते? अगर पेशाब से गाड़ी चलने लगी तो दुनिया को कितना फायदा होगा तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। पर मैं क्या करूं? परेशान मत हो, सोल्टर पानी रोज पी और सोल्टर पेट्रोल निकाल के रोज बेच। तुम लोग क्यों नहीं समझते, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये होता है। लाठी के बाद तलवार आई, तलवार के बाद गोली आई, और अब एटम बम का जमाना है। कोयले के बाद पेट्रोल आया, पेट्रोल के बाद पेशाब को क्यों नहीं लाते? पेशाब का इंजन बनाकर तो देखिए, आपकी गाड़ी मुफ्त में चलेगी। ऑफिस का पूरा स्टाफ आपकी गाड़ी की टंकी में ही मुदेगा, मैं सच बोल रहा हूँ। 15 लाख मिलेंगे। ए, 2 करोड़ की गधे के लिए चोरी हो गई है, और मुझे लगता है तुम दोनों ने उसे चुराया है। तो तुम दोनों गधे के लिए दिखे स्मगलर हो। आए अबे बता दे इसको, हम कुत्ते का गू इकट्ठा करते हैं। क्या बोला? कुत्ते का गू? हाँ, कुत्ते का गू, वो भी पूरे शहर से। तब तो बेटा फांसी की सजा होगी।